अभी ये नानू से ऊपर वो एक मोड़ जो दिखाई दे रहा, वहाँ पर एक पानी का ये पोस्ट था, वहाँ पर से पानी पी करके मैं चला हूँ धीरे धीरे धीरे, तो इस रास्ते से होता हुआ। और अभी अभी थोड़ी देर में मेरे को लग रहा है ये आ जाएगा मैखम्बा, मैखम्बा चट्टी आ जाएगी। बारिश लगी रही है अभी भी, और इसकी वजह से ये हो रहा है कि थोड़ा जो व्यू दिखता वो इतना शानदार इसमें दिखाई नहीं दे पड़ रहा। और चलने के लिए लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि दूरी डिस्टेंस पता नहीं चल रही है कि कहाँ अभी जाना है, कितना दूर है, नहीं तो आदमी देख करके ही थक जाता है। और ये देखिए सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं यहाँ सभी जगह, ऊपर को भी ऐसे ही हैं और नीचे को भी, सभी जगह देखिए सुंदर सुंदर फूल पूरे। शिव जी का बागान, क्या है, बागवानु बल फूल खिले अछना, तो ये सभी शिव जी के बागवान में फूल खिले हुए हैं। और बीच बीच में एक एक दो दो मिनट के मैं रेस्ट लेते जा रहा हूँ, ताकि कून वाली चढ़ाई के लिए अपने को थोड़ा सा एनर्जी बचा के रख सकूँ। पानी लगातार, ये देखिए बारिश लगातार हो रही है, तो अभी अब कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये देखिए सुंदर, वाह 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 वाह, शिवाय शिवाय शिवाय। अभी इस तरफ से आया हूँ मैं, जस्ट अभी वीडियो बनाया हुआ था कि बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और सुंदर दृश्य नहीं आ रहे हैं सामने, और ऐसा कहते ही देखिए इतना सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। वाह 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 वाह, भोले बाबा क्या शानदार, क्या बात है। और जाना है इस तरफ को, ये देखिए इस तरफ को जाना है। और फिलहाल क्या बोलना है, ये देखिए बस, और नीचे देखिए मधुगंगा के साथ साथ पूरे बादल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त दृश्य, इतना सुंदर देखने में लग रहा है, बिल्कुल जैसे रुई बिछा दी हो ऐसा लग रहा है। आप कहीं को भी देख लीजिए, वाह 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 वाह। मुझे लगता है ये सब देखते देखते ही पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसकी वजह से मुझे थोड़ा देर भी हो जा रही है। शिवाय शिवाय शिवाय, जय भोले भंडारी। तो अब करते हैं अपनी यात्रा प्रारंभ और आगे के लिए बढ़ते हैं छोटे छोटे कदमों से। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जो अभी मैंने आपको बहुत सुंदर दृश्य दिखाया था, ये है, अब मैं पहुंच ही गया हूँ मैखम्बा में। बस ये जो आगे मोड़ है, इस कैंची को पार करते ही इस तरफ को दिखेंगे तो मैखम्बा दिखाई दे जाएगी, मैखम्बा चट्टी। और यहाँ से दिखाया कितना, 4.60 या 4.00, मान के चलते हैं, चलिए 4 किलोमीटर ही शायद मरमहेश्वर होंगे भगवान। तो इसमें 1 किलोमीटर के करीब का लगभग मैदान है, और सबसे ज़बरदस्त है फिरोई कून वाली जो चढ़ाई है, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद भी है लेकिन उतनी भयंकर नहीं है वो, जैसी कून की, कून चट्टी वाली, कून चट्टी से जो ऊपर चलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे ध्यान रखना पड़ेगा अपना। और बस ये सामने जो बैंड दिख रहा है, इसके बाद सीधे मैखम्बा चट्टी दिखाई दे जाएगी। शिवाय शिवाय शिवाय, ये देखिए ये ऊपर, ये है मैखम्बा। तो इतना ज़्यादा अभी भीड़ भड़का है नहीं, और पहले भी यात्री सीज़न बढ़िया चला हुआ है मई जून के महीने में, जब केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो कई यात्री मधमेश्वर के लिए आए थे, तो यहाँ भी बढ़िया इनका कारोबार चला है। तो इसलिए अभी एक एक, जैसे हमारे जैसे सिंगल यात्री जो होते हैं उनके प्रति थोड़ा उदासीनता ही रहती है इनकी, तो जो भी हो लेकिन इनकी वजह से बहुत यात्रियों को बहुत सुगमता होती है। और अभी अब मैखम्बा चट्टी से मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। और देखिए शिव 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 शिव,
हे शंकर भोलेनाथ। देखिए ये आ गया वाटर पोस्ट, पूरा बादल बादल हो रहे हैं आज। और ये है महकमा चट्टी, और इससे फिर इस तरफ को जाना है, और ये सामने होगी कून, इसी जंगल के बीच में ही है। ये जो सामने जंगल पड़ रहा है इसी के टॉप में पड़ जाती है कून, टॉप में या बीच में ही समझ लीजिए। शिवाय शिवाय शिवाय। अभी ये महकमा चट्टी में थोड़ी देर विश्राम के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ ऊपर। अब मुझे मिलेगी कून चट्टी, और पूरा कोहरा देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब कुछ भी का मतलब 50 मीटर के करीब तक दिखाई दे रहा, लेकिन जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले, जो पूरा इतना सुंदर यहाँ दृश्य दिखाई दे रहा था, अभी पूरा कोहरे के पीछे छिप गया है। और बारिश लगातार हल्की 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 बूंदें गिरने में ही हैं। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर कून है। अभी देखिए एक यात्री भी दौड़ते हुए आ रहे हैं, देखिए वापसी वाले यात्री। जय भोले जय भोले। शंकर शंकर शंकर। अभी कून चट्टी वाले जंगल में हूँ। अरविंद भाई के लिखे हुए देखे बोर्ड, मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मधमेश्वर धाम चले आना, हर हर महादेव, शिव हे शिव। अरविंद अरविंद भाई, भगवान मधमेश्वर आपको जल्दी से जल्द स्वास्थ्य लाभ दें, आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के आएँ वापस, और फिर से मधमेश्वर महादेव के चरणों में अपनी सेवाएं दें। और ये देखिए ज़बरदस्त दृश्य है, पूरा इस तरफ को कोहरा, अभी मधुगंगा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और ये चढ़ाई बस चलते जानी है, तो मैं भी चला हुआ हूँ छोटे छोटे कदमों से कून की चढ़ाई में। तो कून यहाँ से वो बता रहे थे महकमा से 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का मतलब मान लीजिए 50-100 मीटर में चल भी आया हूँगा, तो उसके बाद फिर ज़बरदस्त चढ़ाई आ जाती है। तो फिर हालांकि उस चढ़ाई को पार करने के बाद इतना कठिन नहीं है, फिर हल्का हल्का ही है। चलिए फिर आगे मिलते हैं। ओम नमः शिवाय 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 शिवाय। देख रहे हैं मन्नू की मोटर, चैनल को करें सब्सक्राइब, सबसे पहले वीडियो को देखने